हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत आज के फिर से नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से नई वीडियो लेके आ चुका हूं गाइस, मोटो G73 5G डिवाइस के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक करने लगे गाइस, क्या अपने फ़ोन में रिंगटोन गाइस कैसे सेटअप करेंगे, नोटिफिकेशन में या फिर रिंगटोन में या फिर अलार्म में, सभी जगह गाइस मैं आपको अच्छी सी वीडियो में बताऊँगा कि आप रिंगटोन को नोटिफिकेशन साउंड को कैसे सेटअप करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अपन चलते हैं गाइस अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। एंड गाइस बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपन चलते हैं सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में रिंगटोन को सेटअप करने के लिए। अब गाइस आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, आप इस पर ऑन करते हैं तो गाइस आपको देखिए इस प्रकार से इंटरफेस होता है, जहाँ पर आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन मिलता है, आपको अलार्म साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। अब गाइस आपको सेटअप कैसे करना है, आपको देखिए कोई भी एक सिम वन रिंगटोन को या फिर सिम टू रिंगटोन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए काफ़ी सारी रिंगटोन मिलती है आपके फ़ोन में, सिस्टम वाली रिंगटोन। अगर गाइस आपने फ़ोन में कोई नया सॉन्ग डाउनलोड किया है तो अगर आप उसको भी सेटअप करना चाहते तो ऐड रिंगटोन में चले जाएंगे। देन आपने यहाँ पे कोई भी, अगर आपका कोई भी डाउनलोड सॉन्ग होगा तो आप उसको यहाँ से सेटअप, उस पर क्लिक करके अपने रिंगटोन में सेटअप कर सकते हैं। सिंपली गाइस आपको उसी प्रकार से अपने फ़ोन में अलार्म में भी कर लेना है। देखिए आपको यहाँ पे भी काफ़ी सारी मिल जाएगी। बाकी अगर आपने कोई सॉन्ग वगैरह डाउनलोड किया है तब उसको भी अपने अलार्म में जो है लगा सकते हैं। उसी प्रकार से आपको अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन में भी कर लेना है। देखिए आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलता है ऐड नोटिफिकेशन का भी, तब इस प्रकार से गाइज अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन में, अलार्म में या फिर गाइज रिंगटोन में सभी प्रकार से रिंगटोन सेटअप कर सकते हैं, जो कि गाइज मैंने आपको आज किसी वीडियो में क्लियर कर दिया है। कोई दिक्कत जा रही गाइज तो कॉमेंट कीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय।